फेब मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर हेल्थ फाइनेंस योर पर्सनल एनर्जी उसका सॉरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अपनी फेब मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हो ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस ओके अगर आप किसी इंसान को लाइक like करते हो लव करते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लियो मैं एस्ट्रोलॉजी एडवांस डेक यूज कर रही हूँ फॉर मोर बेटर प्रिसाइज एंड रीडिंग ओके एंजल्स हायर लाइफ फॉर लियो इन द मंथ ऑफ फेब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर इज द रिचेस्ट हम्म intention of your partner is the romance future action of your partner is the authority F uh, your energy leo is the resourcefulness and future of this relationship is versatility claim kar do reading bottom of the deck is enthusiasm mm -hmm, nice जोड़िया साइन बता देती हूँ अनदर अनदर लियो ये ये दूसरा लियो है बहुत स्ट्रांग दिख रहा है लियो एरी सैजिटेरियस पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो स्ट्रांग स्ट्रांग फायर साइन एंड वाटर साइन एनर्जी ओके ओ माय गॉड वाओ वाओ या इतनी ब्रिलियंट डेक है ना ये सच अ ब्रिलियंट डेक व्हाट व्हाट टू से फेब मंथ होता ही है रोमांस का अब मंथ में तो ऐसी रीडिंग होनी ही चाहिए अच्छी रीडिंग होनी चाहिए ओके <laughs> okay, मैं कुछ जनरल एनर्जीज बता देती हूँ दे आर इन लव विथ यू दिस पर्सन इज इन लव विथ यू ये पर्सन तो कमिटमेंट देगा ये आप ही के साथ रहना चाहता है फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है अरे यार ये ये प्यार में है आपसे बहुत हार्ट फेल्ट बहुत क्यूट एकदम हाई स्कूल टाइप का रोमांस दिख रहा है इस पर्सन की तरफ क्लेम कर दो रीडिंग में अभी सही ही बोल दूंगी ओके लियो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर दिस इज सैटन इन दिस इज सैटन इनकॉन वाव अरे बापरे, देखो मुझे ना कहीं ना कहीं देखो ये, energy, या ये जो भी है ना इस पर्सन का करियर बहुत अच्छा रहेगा या इस पर्सन का करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा जो भी ये लाइफ में करेगा ना ये पर्सन ये इस पर्सन की बात कर रही हूँ ये लाइफ में अपने बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये मेहनत करने से डरते नहीं है ये पर्सन आई एम कैन क्लियरली सी दैट बहुत हार्डवर्किंग बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट नहीं होगे हार्ड वर्क हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस एज़ वेल अगर ये इंटेलिजेंट भी नहीं होगे ये हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं विथ यू द करंट एनर्जी दे रियली लाइक यू लियो बहुत पसंद करते हैं आपको और मेरे हिसाब से ये सैटर्न इन कैप्रीकॉर्न की एनर्जी कहीं कही ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपको भी ऐसा ही पर्सन मानते हैं लियो कि आप भी एकदम एक हार्ड वर्किंग एक एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है जो बैठे नहीं रहना चाहता है, हाँ है आलसियों की तरह कुछ नहीं कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं चिल कर रहे हैं नो no. ये खुद हार्ड वर्किंग है और ये आपको एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन समझते हैं लियो अगर ऐसा है तो लाइक करो वीडियो सेकेंडली सीधे यहाँ पे क्या क्या, क्या लिखा है अल्फा एट कॉन्ग्र कभी कभी सार्टन इन सार्टन केप्रिकोन की के एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है लियो कि ये पर्सन आपको एक बहुत ही एक ऑनेस्ट सच्चा हार्डवर्किंग पर्सन समझता है और यही जो आपकी जो क्वालिटी है ना यही इस पर्सन को इम्प्रेस कर रहा है लियो आपके लुक्स करिश्मा पर्सनालिटी नहीं इंप्रेस कर रहा है इस पर्सन को नो ये पर्सन इंसान के अंदर झांकते हैं कि इंसान का दिल कैसा है इंसान का व्यक्तित्व कैसा है दे हैव स्कैंड्रॉम इनसाइड लियो दे सी की भाई लियो अंदर से इंसान कैसा हो पता हो कैसा इंसान है दिल का राजा इंसान है कि कोई भी अगर आपकी आपसे मदद मांगने आएगा आप उसकी मदद करोगे नो मैटर वट आप एक हार्ड वर्किंग आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो कि दस बार ठोकर खाकर गिरोगे बट उठोगे क्योंकि ये इस किस्म का पर्सन है This, इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी आ रही लियो मैं क्या बताऊं रिस्पेक्ट करते हैं आपकी. I, मैंने आपको हमेशा से बोला था लियो कि मैं एडवांस रीडिंग्स करने वाली हूँ मैं राइडो वेट वर्जन पे नहीं स्टिक करने वाली हूँ इट्स बिकॉज ऑफ दिस एंड यू गाइज अंट टू बीट टूगेदर आई एम नॉट इवन केटिंग लियो ग्रेट एनर्जी यार बहुत अच्छी एनर्जी इंटेंशन वो ये गॉट द वीनस इन कैंसर कार्ड देखो ये ये कितने भी प्रैक्टिकल हो ना ये प्रैक्टिकल है लाइफ में आप भी प्रैक्टिकल हो लियो लाइफ में आप भी काफी प्रैक्टिकल हो बट विथ यू इनका जो रोमांटिक साइड बाहर आता है वीनस इन कैंसर जस्ट रिप्रेजेंट्स रोमांस लव एफेक्शन दे मतलब आपके साथ जब भी वो सोचते हैं ना एकदम ड्रीमी वर्ल्ड में आ जाते हैं इनका इंटेंशन है टू बी यू यार लियो इनका इंटेंशन है आपके साथ एक ब्यूटिफुल स्वीट कपल लवी डवी टाइप का रोमांस करने का लिटरली दे वॉन्ट टू डू अ डी रोमांस यू लियो दे टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू हैंड्स डाउन यस एंड ये भले ही दूसरों के लिए बहुत हार्ड वर्किंग प्रैक्टिकल दिखते होंगे बट ये आपके लिए एकदम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते होंगे कि आ लियो मुझे हक करो या आ लियो तो मुझे प्यार करो सो दे हैव दिस वेरी क्यूट साइड जो सिर्फ आप देख पा रहे हो लियो एंड दे वांट टू बी विथ यू इंटेंशन साफ है यहाँ पे देखिए क्यूपिड भी है तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोग मुझे दिख रहा है विथ टाइम आप लोग और प्यार में पढ़ते जाओगे ग्रेट एनर्जी लियो यार वट एल्स डी यू वॉन्ट

मेरे हिसाब से बाय ऑफ मार्च ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है अथॉरिटी है, ये मुझे शादी करना चाहता है।, अगर आपकी वाली एज नहीं है तो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है बाई पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है Definitely. इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी ये पर्सन बहुत सच्चा बहुत ऑनेस्ट यू नो हैव मैनिफेस्टेड लियो आई फील आप हो ना एज अग्जैक्टलीसन exactly अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है बिल्कुल जैसे आप हो ऑनेस्ट हो सच्चे हो भले ही आपकी पर्सनैलिटी अच्छी आप लोगों की पर्सनैलिटी देख के नहीं लोगों का दिल देख के उससे प्यार करते हो एग्जैक्टली सेम पर्सन ये है एग्जैक्टली Your energy is the resourceful resourcefulness which is sun and cancer card. आपका भी romance बढ़ता जा रहा है आपका भी प्यार बढ़ता जा रहा है day by day. इसकी एनर्जी सन इन कैंसर रिप्रेजेंट दैट यू सी दिस पर्सन एज समवन जिसके साथ एक फ्यूचर बिल्ड किया जा सकता है एक फैमिली इस्टेब्लिश की जा सकती है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्रो की एनर्जी तो आपको शायद कोई पास लाइफ कनेक्शन भी फील होता होगा या कोई एक बहुत डिवाइन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता होगा इस पर्सन के साथ यू आर ऑल्सो इन लव विद दिस पर्सन सन एंड कैंसर

फ्यूचर में तो आप लोग इतनी प्यारी प्यारी मेमरीज बनाते हुए दिख रहे हो देखिए यहाँ पे लड़की एख्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में स्पार्क लेके आओगे मे बी बंजी जंपिंग करोगे मे बी जेट स्की करोगे या फिर स्काई डाइनिंग करोगे तो मेरे हिसाब से आप आप ना अपनी अपनी डेट्स को काफी फन रखने वाले अपनी आप दोनों ना मुझे दिख रहा है आप दोनों बोरिंग किस्म के बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग यू गाइज आर नॉट बोरिंग पीपल नॉट एट ऑल यू गाइज आर यू गाइज लव टू डू अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज तो मुझे दिख रहा है आप दोनों काफी अपनी डेट्स को अच्छे से करोगे बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज करने वाले हो फ्यूचर में रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो फ्यूचर बहुत अच्छा है बहुत अच्छी रीडिंग है यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग लियो क्लेम कर दो और अगर कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल फ्लोर टैडर बाय